हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल के वही क्रिएशन। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम कुछ इस टाइप के वोटिंग करने वाले हैं स्नैपचैट ऐप में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और अपने पिक्चरों का लेंगे सेलेक्ट। और यहाँ पर मैंने पिक्चर कर लिया सेलेक्ट। अब हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाले आइकन पे, उसके बाद क्लिक करेंगे विंटेज वाले आइकन पे। अब हम सैचुरेशन कर लेंगे 100 माइनस। अब हम डन कर लेंगे। अब हम क्लिक करेंगे ऊपर अंडर वाले ऑप्शन पे, उसके बाद क्लिक करना है व्यू एडिट पे। अब हम विंटेज वाला आइकन पे क्लिक करके विंटेज वाले पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब हमें क्लिक करना है लेफ्ट साइड नीचे वाले आइकन पे। क्लिक करने के बाद हम अपने बॉडी को कर लेंगे रेस। रेस करने के बाद हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अब हम बैक करेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे पेंसिल आइकन पे। अब हमें क्लिक करना है डबल स्लॉट वाला आइकन पे, उसके बाद क्लिक करना है इमेज क्लास आइकन पे। अब हम अपने बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट। अब हम क्लिक करेंगे वाटर वाला आइकन पे। अब हम ओपेसिटी को कर देंगे फुल 100। अब हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे ऊपर अंडो वाला ऑप्शन पे, उसका क्लिक करना है व्यू एडिट पे। उसका डबल स्लॉट वाला आइकन पे क्लिक करके मिडिल में पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है। अब हम क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड नीचे वाला आइकन पे। अब हमने जो बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड हो चुका है रेस कर लेंगे। इरेज कर लेने के बाद अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि फ़ोटो एडिटिंग कैसी लगी आपको। बैकग्राउंड ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अब हम बैक करेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाला आइकन पे। अगेन हमें डबल स्लॉट आइकन पे क्लिक करके इमेज क्लास आइकन पे क्लिक करना है और अपने पीएनजी को कर लेंगे सेलेक्ट। अब हम क्लिक करेंगे मिडिल वाला आइकन पे, उसका क्लिक करना लाइटिंग पे और इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाला आइकन पे, उसका अगेन डबल स्लॉट आइकन पे क्लिक करके अगेन हम इमेज क्लास आइकन पे क्लिक करेंगे। अगेन हम पीएनजी को कर लेंगे सेलेक्ट। अब हम मिडिल आइकन पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे। अब हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाले आइकन पे। अब हमें क्लिक करना है कर्व वाले आइकन पे। उसके बाद अब हम इसे ऑरेंज कलर में एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे ऊपर अंडू वाले ऑप्शन पे, उसके बाद क्लिक करना है व्यू एडिट पे। उसके बाद कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मिडिल में पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है।
अब हम कर्व को कर देंगे 50 तक। अब हम इसे अपने ड्रेस के ऊपर कलर कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अब हम बैक करेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाला आइकन पे। अगेन हम डबल स्प्लैश आइकन पे क्लिक करके अब हम क्लिक करना इमेज प्लस आइकन पे। अब हमने पेंसिल का भी चलाया। अब हम क्लिक करेंगे मिडिल वाला आइकन पे। उसको लाइटर पे क्लिक करने के बाद हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम इसे सिंपली डन करेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे ऊपर अंडू वाला ऑप्शन पे। उसके बाद क्लिक करना है व्यू एडिट पे। उसको डबल एक्स आइकन पे क्लिक करके मिडिल पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। अब हम अपने डबल एक्सप्लोर कर देंगे 50 तक। अब हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लेने के बाद अब हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अब हम बैक करेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाला आइकन पे। अगेन हम डबल स्प्लैश आइकन पे क्लिक करके इमेज प्लस आइकन पे क्लिक करना है। और सेकंड पेज को करेंगे सेलेक्ट। अब हम क्लिक करेंगे मिडिल वाला आइकन पे। उसके बाद क्लिक करना है ऐड पे। अब हम एडजस्ट करने के बाद सिंपली डन कर लेंगे। अगेन हम क्लिक करेंगे पेंसिल वाला आइकन पे। उसके बाद क्लिक करना है ट्विन इमेज पे। अब हम इसे अपने पिक्चर के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम इसे सिंपली डन कर लेंगे। अब हमने पिक्चर को सेव। अगर तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें।